हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 का एक पेपर। इसको हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस दिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये और अपोजिट वर्ड आपको बताना है, जिनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का क्या मतलब है? ऑथेंटिक का मतलब जो सही है, जो असली है, ठीक है। और जो सही और असली नहीं है उसको हम बोलेंगे फिक्टीशियस। फिक्टीशियस मतलब होता है जो फिक्शन पर बेस्ड है, और फिक्शन होता है कोई भी ऐसी चीज काल्पनिक या झूठी जो सही नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब जो सही है, फिक्टिशियस मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब रियल, फिक्टिशियस मतलब जो रियल नहीं है। तो किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, ठीक है, करेजियस। इंटाइसिंग का मतलब होता है जो आपको टेम्प्ट कर रहा है, जो आपको ललचा रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटाइसिंग। और लेजिटिमेट मतलब जो लीगल है, जो कानूनी है, जो सही है। तो फिक्टिशियस यहाँ पर इसका अपोजिट होगा ऑथेंटिक का। और इसका यदि सिनोनिम देखा जाए तो इसका सिनोनिम हो सकता है रियल या जेन्युइन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। एक ये देखते हैं, सेकेंड वर्ड है चूज, और इसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड। तो किसी चीज़ को जब आप चूज नहीं करते हैं तो उसका जो मीनिंग होगा वो होगा इसका एंटोनिम। चूज करना मतलब सेलेक्ट करना, और जब आप चूज नहीं करते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट, ठीक है। वॉन्ट का मतलब चाहना, डिसलाइक का मतलब किसी चीज़ को ना पसंद करना, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो रिजेक्ट इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जेक्स्ट्रा पोजिशन। जेक्स्ट्रा पोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना किसी चीज़ को, और जब आप पास पास नहीं रखते हैं किसी चीज़ को तो वो दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसका सही एंटोनिम होगा सेपरेशन, यानी सेपरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिमोटनेस भी दिया है ये को, जो कि काफ़ी क्लोज है। रिमोटनेस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। और जेक्स्ट्रा पोजिशन मतलब पास पास रखना। तो जेक्स्ट्रा पोजिशन एक्चुअली इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेपरेशन। जेक्स्ट्रा पोजिशन मतलब पास पास रखना, सेपरेशन मतलब दूर दूर करना। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो सेपरेशन यहाँ पर काफ़ी क्लोज है। और एसएससी एग्जाम्स में और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के ऑप्शंस एक क्वेश्चन के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। तो एक होता है मोर करेक्ट, एक होता है करेक्ट, और एक होता है मोस्ट करेक्ट। तो मोस्ट करेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है, तो सेपरेशन यहाँ पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, जेक्स्ट्रा पोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कायर, डरपोक। और डरपोक के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है टिमिड। इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है टिमिडिटी, ये एडजेक्टिव है टिमिड, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वेल्दी मतलब काफ़ी धन संपन्न। तो इस तरीके से बोल्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा टिमिड। टिमिड के लिए एक वर्ड और है चिकन हार्टेड, भी इसको हम बोलते हैं चिकन हार्टेड, ठीक है। हैसन, हैसन देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा हेस्ट, जैसे इसमें एक प्रोवर्ब भी है हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दबाजी जो होती है वो शैतान का काम होता है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। तो हेस्ट से ही ये बना है हैसन। हैसन मतलब जल्दी करना, और स्लो मतलब उसको धीमा करना। तो स्लो इसका एंटोनिम होगा। इंस्ट्रक्ट का मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना होता है, ये भी काफी क्लोज है, लेकिन स्लो इसका सही होगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब एक्चुअली बाधा डालना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है। आफ्टर मच कंटेम्पलेशन द टू राइवल्स डिसाइडेड टू बैरी द हैचेट एंड वर्क इन यूनिसन। कंटेम्पलेशन का मतलब है सोच विचार, ठीक है। तो काफी सोच विचार के बाद वो जो दोनों प्रतिद्वंदी थे, दोनों विरोधी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब बैरी द हैचेट कर देंगे। बैरी द हैचेट का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इस ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम बरी या बूरी या इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बैरी इसको हम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दफनाना।
और हैचिट, एक हैचिट एक्चुअली जैसे कुल्हाड़ी टाइप की होती है, एक लड़ने का एक हथियार होता है। तो दो राइबल्स जो हैं वो अपने अपनी हैचिट को बैरी कर देते हैं, दफना देते हैं, मतलब अपने जो औजार हैं उनको वो दफना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने उनमें एग्रीमेंट हो गया, उनमें सुलह हो गई है, उनमें पैचअप हो गया है और वो अब साथ में काम करेंगे, अब उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो सही इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है गेट रिकनसाइल्ड। रिकन्सिलिएशन मतलब होता है सहमति या समझौता हो जाना या सुलह हो जाना। तो आपको ये ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे क्योंकि एसएससी एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन इन ऑप्शंस को अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है। वो एग्जैक्ट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो रिकनसाइल वर्ड ही दे, वो मेक पीस दे सकता है या इस तरह का कुछ इक्विवेलेंट वर्ड आपको बना के दे सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका गेट रिकनसाइल्ड। और एसएससी के एग्जाम्स हो या बैंकिंग के एग्जाम्स हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट ना होकर एक लैंग्वेज है और इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर वहाँ पर निकालना होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, चाहे हिंदू की करें या किसी भी न्यूज़पेपर की करें या किसी मैगजीन की करें, लेकिन रेगुलर रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है एसएससी के किसी भी एग्जाम में निकलने के लिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है? एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी से मिलना या किसी से कुछ कहना, ठीक है। पर्सनल एंड टू सर्व, अब देखिए इसमें 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 जो आंसर होगा आपका वो ये होगा पर्सनल एंड टू सर्व। एंड का मतलब होता है पर्सनल गोल या कोई भी काम, ठीक है। तो अलग तरीके से इसमें दिया है, इसका जो आंसर है ये अलग तरीके से दिया है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब जैसे यहाँ पर सेल्फिश इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, या इसके जो ऑप्शंस मिलेंगे वो अलग तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग टेस्ट सीरीज में। इनके जो ऑप्शंस हैं ये अलग अलग तरीके से आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। अब यहाँ पर दिया है पर्सनल एंड टू सर्व, तो फोर्थ इसका सही आंसर यहां पर होगा पर्सनल एंड टू सर्व, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी से कुछ कहना या करना, ठीक है, पर्सनल एंड टू सर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ बर्निंग प्रॉब्लम। अ बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब यह होता है कि एक ज्वलंत मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, जिसके बारे में काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिसका सॉल्यूशन मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि वो अर्जेंट है, अर्जेंट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। एन अर्जेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, एन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो ए इसका सही आंसर आपका होगा, ठीक है। देखिए ये भी इडियम है और एक सेंटेंस में इसको बताया गया है आपको, कभी कभी सेपरेटली भी दे सकते हैं इसको इंडिपेंडेंटली, ये जो इडियम है, और एक सेंटेंस में इंसर्ट करके भी आपको दे सकते हैं। तो माई माई कॉलीग मेड हिज मार्क, ठीक है, एज ए लॉयर एट एन अर्ली एज। तो ये तो सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब मेरे कॉलीग ने, मेरे सहकर्मी ने अपना अपना एक स्थान बनाया, अपना एक नाम बनाया एक वकील के रूप में बहुत ही कम एज में। तो मेड हिज मार्क का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपने आप अपनी अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया उसने, मेड हिज मार्क, ठीक है। इसको हम कलीग या कुलीग नहीं पढ़ते, इसको हम कॉलीग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है सहकर्मी जो आपके साथ काम करता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ शिवेलरी। एक्चुअली शिवेलरी क्या होता है? शिवेलरी के देखिए दो मतलब होते हैं। शिवेलरी का मतलब एक्चुअली मेडिवल एज में जो घोड़ों पर सवार होके जो 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 सैनिक होते थे, जो लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड आता है शिवेलरी। लेकिन शिवेलरी का मतलब है, शिवेलरी एक ऐसी क्वालिटी के लिए बोला जाता है जिसमें जिसमें बहादुरी भी आती है, काइंडनेस भी आती है, पोलाइटनेस भी आती है, औरतों का सम्मान करना भी आता है, ठीक है। शिवेलरी इसको हम बोलते हैं, ये मेडिवल एज का एक वर्ड है। और इसके यदि सिनोनिम देखे जाएँ तो गैलेंट्री इसका हो सकता है, डेफिरेंशियल हो सकता है, पोलाइट पोलाइट बिहेवियर हो सकता है, शिवेलरी का जो सिनोनिम है, ठीक है। तो शिवेलरी का मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वही इसका सही एक्सप्लेनेशन है, और दो मीनिंग मैंने यहाँ पर नीचे इसमें एक्सप्लेन किए हैं, तो इनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और गैलेंट्री का मतलब बहादुरी, और गैलेंट्री का मतलब
औरतों के लिए, मतलब पुरुषों का औरतों की तरफ जो सम्मान होता है, एक अच्छा बिहेवियर होता है, उसको भी हम शिवेलरी बोलते हैं, और बहादुरी के लिए भी ये वर्ड आता है। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है। और यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ईयर्स का मतलब होता है एकदम एकदम कीन होना, एकदम इंटरेस्टेड होना, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि ईयर्स का जो संबंध है वो कानों से है, ठीक है, कानों से हम सुनते हैं। तो अटेंटिव होकर किसी चीज़ को सुनना, या सुनने के लिए तैयार होना, या सुनने में इंटरेस्टेड होना, ये सारे मीनिंग होते हैं ऑल ईयर्स के। और देखिए दो क्लोज वर्ड दिए हैं, ईगर एंड क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जो कोई भी हिडन सीक्रेट है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको जो हिडन है या कॉम्प्लिकेटेड, उसको वो जानना चाहता है कोई व्यक्ति, जैसे बच्चे काफ़ी क्यूरियस होते हैं, ठीक है। ईगर का मतलब, ईगर थोड़ा सा क्यूरियस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ईगर का मतलब होता है अटेंटिव या कीन या इंटरेस्टेड। तो एक व्यक्ति बैठा है, उसको कोई स्टोरी सुनाना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो स्टोरी सुनना चाहता है? वो ईगर होना चाहिए, वो अटेंटिव होना चाहिए, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो कीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो सही वर्ड होगा वो होगा ईगर। क्यूरियस एक जनरल टर्म है, क्यूरियस का मतलब किसी भी चीज को जानने के बारे में इच्छा होना, जबकि ईगर है, ईगर का मतलब है इंटरेस्टेड होना, और यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंटरेस्टेड होने का है, तो इसलिए ईगर यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लोज वर्ड आते हैं। सस्पिशियस का मतलब होता है शंकालु, जिसको किसी चीज में डाउट है, डाउटफुल, और इसका एक सिनोनिम है, वो सिनोनिम है स्केप्टिकल, ठीक है, इसको आप स्केप्टिकल भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहां पर मैंने ईगर, क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव, इन तीनों का मीनिंग दिया है, और इंक्विजिटिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, जैसे जैसे किसी की जासूसी करना, कोई चीज जानने के लिए किसी की जासूसी करना, तो इंक्विजिटिव का मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंट, क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियस का मतलब किसी भी चीज़ को जानना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये चीज़ कहाँ पर हिडन है, या कोई सीक्रेट है उसके बारे में जानना, क्यूरियस वो होता है। ईगर का मतलब होता है कीन एंड इंटरेस्टेड। तीनों में एक एक शेड है, एक अलग अलग शेड ऑफ मीनिंग है, और तीनों का अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पैराजंबल के ये क्वेश्चंस हैं, और 1 and 6, ठीक है, 1 and 6 की पोजीशन सेम रहेगी, PQRS की पोजीशन को आपको चेंज करना है। तो इसमें ये सेंटेंस हो जाएगा हाउसिंग फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज चूंकि एक सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें एस नहीं होगा, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। सब्जेक्ट तो है ही, इसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब कहाँ पर है? वर्ब यहाँ पर है, स्ट्रगल, हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल, हाउसिंग फैसिलिटीज जो होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं किस चीज़ के लिए? टू कीप अप, मेंटेन करने के लिए, किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। देखिए इसमें आपका पूरा लॉजिक इसमें आपका चेक होता है, और ये चीज़ भी आपको अंडरस्टैंडिंग से आएगी कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड फॉलो होगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउसिंग फैसिलिटीज एक सब्जेक्ट है, तो उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद हम विद बोलेंगे, स्ट्रगल के बाद यहाँ पर हम टू बोलेंगे। स्ट्रगल किस लिए कर रहा है? हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल, हाउसिंग फैसिलिटी स्ट्रगल करती हैं किस लिए? टू कीप अप, कीप अप का मतलब होता है मेंटेन। यानी एस और पी इसमें इनिशियल पेयर होगा, एस और पी, ठीक है। तो इसमें आंसर यही होगा, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल टू कीप अप, कीप अप के बाद विद ही आ सकता है, यानी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्यू ही आ सकता है और फोर्थ पोजीशन पे इन्फ्लक्स ही आ सकता है, तो एस पी क्यू आर ही इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाउसिंग जो जो मकान बनते हैं डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, और मकान जो है वो कम है लोगों के रहने के लिए, तो हाउसिंग फैसिलिटी स्ट्रगल कर रही है किस लिए? हाउसिंग फैसिलिटी स्ट्रगल टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो जो इंक्रीजिंग डिमांड है, जो इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का, उसके साथ नहीं चल पा रही है, ठीक है, मतलब लोग ज़्यादा हैं लेकिन मकान कम है, ये इसका मतलब है। तो इसलिए हाउसिंग फैसिलिटी स्ट्रगल कर रही है इन्फ्लक्स के साथ एक मोमेंटम बनाने में, वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, तो ये सेंटेंस का मतलब है। और किस तरीके से आपको जोड़ा जोड़ के मैंने बताया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको एक लॉजिक लगाना है कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, और ये सारी चीज़ें भी आपको रीडिंग से ही आएगी, आपको रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है,
और समझना है चीज़ों को, कैसे कैसे सेंटेंस बनता है, कैसे सेंटेंस जुड़ता है, किसके साथ कौन सा वर्ड आएगा, रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इसको भी मैं करके बताऊंगा सेम लॉजिक से। आई वुड अर्ज यू, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूँ किस चीज़ के लिए। आई वुड अर्ज यू, तो यहाँ पर एक वर्ब भी आ सकती है, मैं आपसे विनती करता हूँ टू टेक अ वेरी, टू टेक अ वेरी, अ वेरी के बाद आएगा टू टेक अ वेरी वॉट, टू टेक वॉट, ठीक है, टू टेक अ वेरी सिंपैथेटिक व्यू। सिंपैथेटिक व्यू किस चीज का है, ऑफ दिस मैटर, यानी यहां पर जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आर क्यू एस। आर क्यू एस किस में है, आर क्यू एस थर्ड में है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आपको केवल दो लेटर को अच्छे तरीके से मिलाना है, दो लेटर आपको अच्छे तरीके से मिलाना है, दो दो लेटर मिलाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो फिर तीसरा लेटर को मिला के देखना है कि एक सीक्वेंस सही बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो वहाँ पर वही फिर आपका आंसर होगा। तो इसमें काफ़ी स्कोरिंग ये होता है, और एग्ज़ाम्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप सबसे बाद में करें, क्योंकि कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आई वुड अर्ज यू टू टेक ए वेरी सिंपैथेटिक व्यू ऑफ दिस मैटर एंड टेक नो फर्दर एक्शन, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैटर के बारे में एक सिंपैथेटिक व्यू आप लें, मतलब इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप नहीं लें, क्योंकि ये हो सकता है एक सेंसिटिव इशू हो, और उसके बारे में कोई फर्दर एक्शन आप नहीं लें। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना होता है, और यहां पर आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन किस चीज का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यहां पर एक्यूमुलेशन लिखा है। तो इसके बाद यदि लॉजिक लगाएं तो किसके एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, किस चीज को इकट्ठा करने की हम बात कर रहे हैं, वेल्थ को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद वर्ब आ जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट, ये हो जाएगा इज नॉट द सोल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये आपका सीक्वेंस बन गया, यानी यहां पर हो जाएगा एस क्यू आर पी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका आंसर होगा SQRP, accumulation of wealth is not the sole aim of human life. Sole का मतलब होता है only, अकेला, ठीक है, solely adverb है, इसका मतलब भी अकेला या only होता है। Soul का मतलब आत्मा भी होती है, soul का मतलब एक पैर के नीचे जो होता है ना, जो shoes में हम पहनते हैं, shoes का जो base होता है उसको भी हम soul बोलते हैं, sole proprietorship आपने सुना होगा। सोल का मतलब, सोल वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है पुल बाय ईयर्स। तो सोल के काफी मीनिंग है, सोल का मतलब अकेला, ओनली, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलार्ज। अलार्ज के बाद अब क्या आ सकता है, अलार्ज नंबर आ सकता है, अलार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, यानी ये हो गया फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब चंदन, चंदन का क्या होता है, पेड़ होता है, तो ये हो गया ट्रीज। यानी क्यू एन एस पहले किस में आ रहे हैं, क्यू एन एस पहले केबल डी में आ रहे हैं, या ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से यदि करते हैं आप, भले ही चारों लेटर्स को ना बुलाएं, तो बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड ट्रीज हैव बीन फेल्ड बाय अ नोटोरियस गैंगस्टर, एक खतरनाक गैंगस्टर के द्वारा सैंडलवुड के काफी सारे पेड़ों को गिराया गया है। फेल का मतलब होता है गिराना, ठीक है, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब होता है गिराना, ये पॉजिटिव वर्ब है, फेल, FELLED, फेल, फेल का मतलब गिराना, फॉल का मतलब अपने आप गिरना, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मिस्टर हॉकिंस, मिस्टर हॉकिंस के बारे में बात हो रही है, तो मिस्टर हॉकिंस कैन राइट, मिस्टर हॉकिंस पहले ये लगा देते हैं इसमें, मिस्टर हॉकिंस हु टीचेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, ये तो हॉकिंस की डेफिनेशन हो गई, मिस्टर हॉकिंस हु टीचेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कैन राइट ऑन हिज कंप्यूटर यूजिंग अ चेक सेंसर, तो ये सीक्वेंस बन गया आपका सही, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस क्यू सबसे पहले किस में है, एस क्यू है सेकेंड में, सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, मिस्टर हॉकिंस हु टीचेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कैन राइट ऑन हिज कंप्यूटर यूजिंग अ चेक सेंसर। पैराजंबल में क्या होता है, पैराजंबल में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, क्लॉजेज होते हैं, अलग अलग तरीके के क्लॉजेज होते हैं, उनको मिक्स करके पैराजम्बल बनाया जाता है। तो यदि आप क्लॉजेस की स्टडी करें, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, तो पैराजम्बल को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका है रीडिंग करना। रीडिंग से आपके अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या सबसे पहले आएगा, क्या बाद में आएगा और क्या इसका सीक्वेंस होना चाहिए। तो रीडिंग मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि रीडिंग आप जरूर करें। देखिए ये हैं वॉइस के सेंटेंसेस, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन इन बिग सिटीज। वॉइस चेंज करना है यहाँ पर आपको, वी मस्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वी मस्ट रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना चाहिए। क्या चीज़ रिड्यूस करना चाहिए हमें? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज, ये एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा और ये सेंटेंस पॉल्यूशन शुरू में आ जाएगा, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, रिड्यूस का रिड्यूस्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किस में दिया है? मस्ट बी केवल इसमें दिया है, रिड्यूस इसमें दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत सरल होते हैं, यदि एक बार आपने इनको समझ लिया तो बहुत ये सरल होते हैं और विद इन सेकेंड्स इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब वॉइस आप चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग जरूर आता है, उसमें बीइंग जरूर आता है। बीइंग केवल फर्स्ट सेंटेंस में इसमें दिया है, बाकी सेंटेंस में बीइंग इसमें नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये तो आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, बहुत सरल होते हैं ये, ठीक है। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग, इन्विजिलेटर जो था वो रीड कर रहा था, क्या चीज रीड कर रहा था? इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है तो इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, इंस्ट्रक्शंस वर, चूंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए बीइंग आएगा। थर्ड फॉर्म इसको हम रेड आउट पढ़ेंगे, यहां पर बीइंग के साथ ये थर्ड फॉर्म होती है, तो इसको रीड आउट ना पढ़ते हुए इसको हम रेड आउट पढ़ेंगे। फर्स्ट आंसर होगा इस सेंटेंस में आपका, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सब्जेक्ट है इसमें यू, नीड है इसमें वर्ब और ये पूरा है इसमें ऑब्जेक्ट, ये टू फ्रेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यू नीड का पैसिव क्या होगा? यू नीड का पैसिव होगा यू आर नीडेड, ठीक है। यू नीड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और इसका पैसिव बना दो, यू नीड का पैसिव हो जाएगा यू आर नीडेड और उसके बाद ये वाला पूरा पूरा रख दो इसके सामने, तो यू आर नीडेड हो गया, यहाँ पर ये यू आर नीडेड हो गया और ये वाला पोर्शन पूरा रख दिया जैसा का तैसा। तो यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, डी इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ही टीचेज अस इंग्लिश, ये भी काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो उससे एक पैसिव वॉइस बन जाता है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके कितने पैसिव वॉइस बन सकते हैं? इसके दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट से जो सेंटेंस आपका बनेगा वो सही माना जाएगा, यानी अस से बनेगा, अस का हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, डी इसमें आपका सही आंसर माना जाएगा। इसमें इंग्लिश से भी देखिए बनाया है, यहाँ पर इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, तो ये है इसमें करेक्ट और ये है मोस्ट करेक्ट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक होता है करेक्ट, एक होता है मोस्ट करेक्ट, ठीक है, एक होता है सही, एक होता है पूरी तरीके से सही, लॉजिकली ग्रामेटिकली हर तरीके से सही। तो इसमें ये भी सही है थर्ड, लेकिन आपको जो आंसर लगाना है वो है फोर्थ, फोर्थ लगाना है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो बनेगा वो सही माना जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। माई मदर हैज़ कुक्ड डिनर फॉर मी, माई मदर इसमें हो गया सब्जेक्ट, हैज़ कुक्ड, मेरी मदर ने बनाया है, क्या बनाया है? डिनर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिनर से ये सेंटेंस बनेगा, हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा, तो जिसमें डिनर शुरू में आया है और जिसमें हैज़ बीन लगा है वो आपका आंसर हो जाएगा। डिनर शुरू में आया है, ये हैज़ बीन लगा है, ये थर्ड फॉर्म लगी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना होता है। ये स्टेनो के रियल क्वेश्चंस हैं, 2016 के रियल क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर देखें और डेफिनेटली इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इससे कई कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको रियल क्वेश्चंस का एक्सपोजर आपको मिलता है, इसके अलावा मिक्स्ड क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अभी अगला जो पार्ट होगा इसका, उसमें आरसी, क्लोज टेस्ट और फिलर्स, इस तरह के जो पार्ट्स हैं,
वो भी इसमें आएंगे। तो इन वीडियो क्लासेस को आप बार बार देखिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फंडामेंटल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।